देखेगा। टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है चुटकी। उस्ताद देखिए वो रहा टूटता तारा। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी करेला ना खा पाए सिवाय मेरे। बस कुछ घंटे और फिर पूरा हो जाएगा मेरा 100 सालों का इंतजार और खिल जाएंगी ये जादुई कलियां और इनकी शक्तियों से हो जाऊंगी मैं अजर अमर। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। कुछ भी खेलने का मन नहीं कर रहा। ये हुई ना बात जग्गू। हाँ, हम जाएंगे मछली पकड़ने। चलो चलो बड़ा मजा आएगा। चलो जादुई लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ ठीक है। धूनी बाबा हमें नदी में ये अजीब बक्सा मिला है। बच्चों अगर मैं सही हूँ तो ये चमत्कारी जादुई फूल हैं। जो 100 सालों में एक बार खिलते हैं, इनकी शक्तियों से बीमार पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। और तो और अगर गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत तबाही भी मचा सकते हैं। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। कहाँ गए मेरे जादुई फूल? किसने उन्हें चुराने की हिम्मत की? कौन है जो? क्या तुम में से किसी ने ये गुस्ताखी की? ये कौन है? कौन नहीं ये पूछो क्या है? मैं नागकन्या सरपंगी हूँ और तुम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती?
हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। क्यों बच्चू? सबसे अच्छा डांस तो मैंने ही किया। उस्ताद तो ऐसा नाचे ऐसा नाचे कि सब लोग बस तालियां बजाते रह गए। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कालिया, अब बस सबसे जरूरी एक बात है कि अब हमें ये डांस चुनमुन को भी सिखाना होगा। देखो तो कैसे मजे से खा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भीम लड्डू खाता है। देखो वो पेंगुइन तो बड़ी दुखी लग रही है ना। हाँ, और वो पेंगुइन दूसरे पेंगुइन्स के साथ नाच भी नहीं रही। साल की हो गई है और अब तो ये नाच भी सकती है। इसका मतलब ये झुंड तुम्हारा परिवार है, तुम भी इन्हीं में से एक हो। अब तुम इनके साथ